हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके सामने आई हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। एंड ये हॉल वीडियो है, इस बार विंटर वियर प्लस आपको इसमें हैंडबैग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, आपको जरूर पसंद आए। लाइक का बटन हिट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। ये वीडियो है बुलबुल ऐप की, और आपको पता ही है कि बुलबुल ऐप पर आप लाइव वीडियोज़ देख सकते हैं। प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप उसकी लाइव वीडियोज़ देख सकते हैं कि कैसी है, किस तरह का लगेगा वो पहनने के बाद। तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, इस काफ़ी सारी चीज़ें मिलती भी हैं। होम डेकोर हो गया, आप इंटरवियर हो गया, काफ़ी सारा कलेक्शन है, आपकी बेसिक नीड्स वहाँ पे पूरी हो सकती हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं एंड साथ ही साथ आपको लाइव वीडियोस देखने के लिए मिलती हैं। तो आइए हॉल स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, ये है क्विल्टेड जैकेट्स। ये देखिए, बहुत ही प्यारी जैकेट है। ये कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया है। और यहाँ पे जो कलर का यूज़ किया गया है, वाइट एज अ बेस यूज़ किया गया है, एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, जो बहुत सुंदर लगता है। ये है क्विल्टेड जैकेट और ये कॉटन की होती है। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर अच्छे से फिटिंग आ रही है इसकी। यहाँ पर आप देखोगे तो साइड स्लीट होता है। इस जैकेट को चाहे तो आप जीन्स के साथ वियर कर सकते हैं, चाहे आप अपने कुर्ता के साथ वियर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, पीछे से कुछ इस तरह की है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंडरिन नेक दिया गया है, बटन प्लैकेट दिया गया है सारे में नीचे तक, और यहाँ पे आप देखोगे तो पाइपिन भी है। परफेक्ट लुक है, एकदम बढ़िया लग रहा है। इसका साइज़ जो मैंने मंगाया है एक्सेल, एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, ये रिवर्सिबल है। तो आपका एक ही बारी में आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं। आप इसको रिवर्स करके भी पहन सकते हो, जब कभी आप कुछ और पहन रहे हो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। वैसे तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप इसको रिवर्स करके भी पहन सकते हो। इधर से आपको मिल जाएगा डार्क कलर, ये देखिए बहुत ही प्यारा पीस है, एकदम बढ़िया है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, एंड ये लाइट विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर आप किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है, और दोनों ही तरफ से अलग अलग डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे आइकन डिज़ाइनिंग है, एंड देन यहाँ पे आपको पैरेट डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। तो काफ़ी सुंदर है, पीछे से इस तरह की है, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगी पॉकेट। ये आपको पॉकेट मिल जाएंगी जो आपको अंदर वाले पार्ट में नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्रंट में आपको मंडे हुए बटन मिलेंगे, पीछे आपको कुछ लकड़ी के छोटे छोटे बटन्स मिलेंगे। तो रिवर्सिबल है, आप आराम से इसको वियर कर सकते हैं दोनों साइड से ही। बस आपको एक साइड में पॉकेट मिलेगी और एक साइड में आपको पॉकेट नहीं मिलेगी। तो बहुत अच्छा पीस है एंड मस्ट बाय प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनको आप हल्की सी विंटर वियर की जो कुर्तियाँ होती हैं उनके साथ आराम से पेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं, आप आराम से इनको पूरे दिन वियर कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको डेली वियर में भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फ्लावर प्रिंटिंग की, और इसका कलर है ब्राउन। ब्राउन के ऊपर काफ़ी सारे कलर्स, मल्टी कलर्स का यूज़ किया गया है, जो बहुत सुंदर लुक दे रहा है। एंड ये क्विल्टेड जैकेट है, इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। साइड स्लीट मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आपको मेंटन नेक मिल जाएगा, साथ में ये बटन प्लैकेट मिल जाएगा जिसमें कि ये बटन जो है वो मंडे हुए हैं। बहुत अच्छा है लुक। पीछे से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की प्रिंटिंग है, सेम है ऑल ओवर। यहाँ पे आपको फ्रंट में दो पॉकेट्स मिल जाएंगी, एंड देन ये रिवर्सिबल है। बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगा है, रिवर्सिबल है ये। एंड यहाँ पे आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है ये भी। तो इन जैकेट्स में जो आपको कलर मिलता है वो एक साइड डार्क एक साइड लाइट मिलता है, तो आपकी दोनों ही नीड्स पूरी हो जाती हैं कि अगर आपको लाइट पहनना है शेड तो आप लाइट पहन सकते हैं, डार्क पहनना है तो आप डार्क पहन सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे सिंपल नॉर्मल बटन्स दिए गए हैं, अंदर की साइड में आपको कोई भी पॉकेट नहीं मिलेगी। तो ये भी बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी। देन नेक्स्ट है ये, एंड ये है ब्यूटीफुल पिंक कलर। पिंक एंड ग्रीन एंड येलो एंड काफ़ी सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है, बट ये लाइट पिंक बहुत सुंदर लग रहा है, एंड काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग हो रही है इसके ऊपर। अगेन ये भी क्विल्टेड है। तो मैं ये आपको सारी चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको सारे कलर वेरिएशंस और प्रिंटिंग और ये सब का आइडिया हो जाए। तो इसीलिए मैंने बेसिकली एक ही चीज़ का पैटर्न दिखा रही हूँ मैं आपको। एंड पीछे से भी आप देखेंगे तो इस तरह की प्रिंटिंग है,
फ्रंट में आपको मिल जाएंगी पॉकेट्स एंड मेंटन नेक है, मंडे हुए बटन मिल जाएंगे आपको सारे में। एंड ये देखिए रिवर्सिबल में आपको मिल जाएगा ये ब्यूटीफुल ग्रीन कलर जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए कंट्रास्टिंग में इसमें पाइपिंग जा रही है पिंक कलर से जो आगे फ्रंट में यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। क्विल्टेड है, लाइट वेट है और आराम से आप इसको पूरे टाइम पहन सकते हैं, बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको नॉर्मल बटन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई भी पॉकेट नहीं मिलती है, आपको मिलती है सिर्फ फ्रंट में। ये देखिए इसका साइज है एक्सेल, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन लास्ट है ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये है ब्लू कलर की एंड जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर कलर लग रहा है, तो ये हर एक ड्रेस कलर कॉम्बिनेशन पे चल जाएगा एंड बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर छोटे छोटे यहाँ पे फ्लावर्स एंड लीफ का पैटर्न दिया गया है, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे आप देखोगे मैंडरिन नेक दिया गया है, यहाँ पे बटन प्लैकेट है जो मंडे हुए बटन यूज़ करे गए हैं। एंड देन आपको मैं अंदर का पोर्शन दिखा देती हूँ। एंड ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह की प्रिंटिंग है, इसमें थोड़ी डिफरेंट प्रिंटिंग है अंदर से, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं छोटी छोटी बूटियाँ और यहाँ पे आपको प्रॉपर एक फ्लावर का प्रिंटिंग मिल जाता है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड कलर आप देख ही सकते हैं डिफरेंट है एकदम अंदर और बाहर का, तो बहुत ही सुंदर रहे हैं ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, तो मैं इनको कह सकती हूँ कि हाईली रिकमेंडेड है। इनको आप आराम से वेयर कर सकते हैं, डेली वेयर में भी पहन सकते हैं इनको, या फिर अगर आप कहीं आउटिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो भी पहन सकते हैं, परफेक्ट है। इनका साइज़ मैंने मंगाया एक्सेल, इनका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ हैंड बैग, ये देखिए ये है हैंड बैग, बहुत ही अच्छा कलर है, डार्क मेहंदी ग्रीन कलर है और इसमें आई थिंक और भी कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगी स्ट्रिंग शोल्डर वाले पैटर्न के साथ, शोल्डर बैग है तो आप आराम से इसको यहाँ पे भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको कैरी कर सकते हैं हाथ में, चाहे तो आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से कैरी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक जिप, ये है थ्री सेट, इसमें आपको थ्री सेट मिलेंगे बैग में। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो सफिशिएंट स्पेस है कि आप इसमें आराम से अपना काफ़ी सारा सामान कैरी कर सकते हैं, मेकअप हो गया या फिर आपका कोई आईपैड वगैरह भी हो गया तो वो भी आराम से आ सकता है। बट इसमें कोई भी अंदर आपको कोई भी जिप नहीं मिलेगी, ओपन है, जस्ट आपको एक जिप ऊपर की साइड मिलेगी। अब मैं आपको इसके दूसरे हैंड बैग्स दिखा देती हूँ, ये आपको मिल जाएगा इसमें स्लिंग बैग, तो इसको आराम से आप कैरी कर सकते हैं, क्वालिटी ठीक है, अच्छी लग रही है। एंड देन यहाँ पे इसमें भी आपको एक जिप मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सफिशिएंट स्पेस है, आराम से आप इसमें अपना पर्स, मतलब छोटे वाला पर्स और काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, मेकअप का सामान आ जाएगा, तो ये प्रॉपर स्लिंग बैग है। एंड देन ये आपको मिल जाएगा एक पर्स टाइप, तो आप इसको सिंपल ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, तो ये तीनों ही तरह की आपकी नीड्स पूरी कर देगा कि जब भी आप कभी कहीं पे भी जा रहे हो तो कोई सा भी लेके जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ पे आपको जस्ट एक बटन का फ्लैप मिल जाएगा तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। एंड इसमें भी आपको मिल जाएगी चेन गोल्डन कलर की और इसमें कोई जिप वगैरह नहीं है, नॉर्मल जस्ट आपको यही कंपार्टमेंट मिलेगा, इसमें आप अपना सामान रख सकते हो, सफिशिएंट है। इसमें आपका आराम से फ़ोन आ जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो या चौड़ा हो, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है तो आराम से आप इसमें अपना फ़ोन रख सकते हो। इसमें और भी कलर शेड्स वगैरह हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो ये तीन का सेट आपको मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा पीस है एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी। देन नेक्स्ट है ये, एंड ये है स्लिंग बैग, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं वो है येलो एक साइड में और एक साइड में आपको मिल जाएगा ब्राउन, तो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, लाइट एंड डार्क का मिक्स है और इसमें आपको मिल जाती है एक जिप, जिप की क्वालिटी ओके है। देन यहाँ पे आपको इसमें सफिशिएंट स्पेस मिल जाती है जिसमें आप आराम से अपना सामान कैरी कर सकते हैं। देन आपको फर्दर इसके अंदर एक और जिप मिल जाएगी जिसमें आप अपना करेंसी वगैरह रख सकते हैं आराम से, तो ये तो काफ़ी छोटू सा है तो आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये,
एंड ये है पीच कलर का, तो बहुत ही अच्छा है, हल्का सा शाइनिंग वाला मटेरियल है, ये सिंथेटिक लेदर है इनकी और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप इसको एज अ शोल्डर बैग भी ले सकते हो लाइक दिस, और चाहे तो आप इसको हैंड में भी कैरी कर सकते हो लाइक दिस। और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है लट्टू लट्टू विद टेसल, और टेसल अच्छा लग रहा है, सेम कलर का ही हैंड बैग का ही, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लग रहा है। देन आपको यहाँ पे मैं आप आगे का दिखाती हूँ, इस तरह से इसमें यहाँ पे बटन का पैटर्न दिया गया है जिसको आप घुमा के खोलोगे तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न लग रहा है, ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक जिप, एंड जिप की क्वालिटी भी ओके है। देन इसके साथ आपको मिलते हैं, ये है 4 का सेट, इसमें आपको 4 कैटेगरीज मिल जाएंगी सेम कलर की, तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है इसका कि आपको कैसे भी जब भी जिस टाइम पे भी आपको जिस तरह के पर्स की नीड हो तो आप वो ले जा सकते हो। और अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारी स्पेस है, इसमें आराम से आप अपना काफ़ी सारा सामान डाल सकते हो। नीचे यहाँ पे आपको एक फ्लैप मिल जाएगा जो इसको बेस प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको इसका दूसरा हैंडबैग दिखाती हूँ, एक इसका ये वाला हैंडबैग मिलेगा जिसमें कुछ साइड वाला पैटर्न दिया गया है जो बहुत ही डिफरेंट सा लगा मुझे, बिकॉज ये चेन के साथ टक किया गया है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप इसको दबाएँगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ये मुझे अपने स्कूल बैग की याद दिला रहा है क्योंकि जब हम स्कूल में जाते थे तो हम इस तरह के ही बैग्स लेते थे और काफ़ी अच्छा मज़ा आता था उन्हें खोलने में, तो कुछ उस तरह की मेरी याद ताज़ा हो गई है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड देन आपको ये स्पेस मिल जाएगी, सफिशिएंट स्पेस है, आराम से आप इसमें अपना सामान वगैरह डाल सकते हैं। देन इसके साथ आपको मिल जाएगी गोल्डन चेन, इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ये वाला हैंड बैग, इसकी जिप देखते हैं हम, एंड इसके अंदर आपको कोई भी जिप नहीं मिलेगी, बस एक यही कंपार्टमेंट है, काफ़ी है, सफिशिएंट है, आराम से आपका फ़ोन, आपकी मेकअप का सामान, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। एंड देन आपको इसके साथ ये मिल जाती है बेल्ट, तो ये स्लिंग बैग है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं और क्वालिटी अच्छी है। एंड देन आपको मिल जाता है एक पाउच, तो ये बेसिकली आपके पैसों के लिए है, तो आप इसको जैसे कि आपका बड़ा ये जो बड़ा बैग है इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है तो आप इसके साथ इसको कैरी कर सकते हैं कि इसके अंदर आप लूज डालोगे तो आपके पैसे वैसे इधर उधर नहीं होंगे, सब इसी के अंदर रहेंगे। और इसमें भी एज अ आपको एक पॉकेट टाइप दिया हुआ है, तो यहाँ पर चाहे अपने नोट्स वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पर अपने आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है और जिप की क्वालिटी ओके है, मटेरियल सही है, शाइनिंग वाला है, तो ये भी बहुत ही सुंदर बैग है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा जैकेट प्लस हैंडबैग्स हॉल वीडियो। अगर आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है और आगे आप किस चीज़ की हॉल वीडियोज़ देखना चाहते हैं। एंड मेरे चैनल पे चल रहा था कंटेस्ट, तो कंटेस्ट के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, उनके विनर भी अनाउंस हो चुके हैं। 3rd कंटेस्ट चल रहा था और उसमें किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, एक बंदे ने पार्टिसिपेट किया था तो वो उन्होंने गलत आंसर दिया था, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था इसलिए कोई भी आंसर नहीं दे पाया है। अब मैं आपके लिए एक और नया कंटेस्ट ला रही हूँ, कंटेस्ट नंबर 4 है। आपको मेरे को बताना है कि मैंने अपने अमेजन के होम डेकोर हॉल वीडियोज़ में किसमें प्राइस नहीं बताया है, तो आप मुझे ये चीज़ बतानी है और एज़ पर रूल आपको उसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो जो भी कमेंट करेगा और सही कमेंट करेगा एंड मैं सिलेक्ट करूंगी लकी विनर और उनको मिल सकता है गिफ्ट वाउचर 100 रुपीज का फ्रॉम अमेज़न। देखते हैं कौन सही गेस करता है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय।